हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ मागुर मच्छी की रेसिपी। तो आइए शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे लहसुन और अदरक लिया हुआ है और यहाँ पे जीरा है और ये पीला वाला सरसों और ये एक टमाटर है और ये एक प्याज। मैंने यहाँ पे मिक्सी जार लिया हुआ है जिसमें मैं ये अदरक और लहसुन और राय और जीरा डाल दूँगी। अब इसको अच्छा से एक पेस्ट बना लेते हैं। मैंने गैस पर रख दिया था तेल गरम करने के लिए। मैंने यहाँ पर सरसों का तेल यूज़ किया हुआ है। फ़िश हमेशा सरसों के तेल पे ही बनता है गाइस। और अब मैंने डाल दिया है मेथी दाना। फिर मैं इसके बाद डालूँगी इसमें प्याज। प्याज को अच्छे से फ्राई कर देंगे हल्का ब्राउन होने तक। अब ये अच्छे से ब्राउन हो गया है। अब मैं इसमें डालूंगी टमाटर। गर्मी का मौसम चल रहा है गाइस, तो इसलिए बहुत ज़्यादा मसाला ना खाए, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है ये हेल्थ के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, बहुत ही ज़्यादा। तो कम से कम मसाला खाने की कोशिश कीजिएगा। मैंने इसमें बहुत ही कम मसाले का यूज़ किया हुआ क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और फिश कैसे भी थोड़ा गर्म ही होता है, तो इसलिए मैंने कम मसाला यूज़ किया है। हर खाने में मसाला थोड़ा कम और स्पाइसी थोड़ा कम ही खाइएगा इस समय। ये मैंने डाल दिया है मसाले का पेस्ट, जो मैंने लहसुन अदरक पीला वाला सरसों डाल के जो मैंने पेस्ट बनाया था जीरा वगैरह, तो मैंने अब इसमें डाल दिया है। अब इसको हम अच्छे से फ्राई करेंगे, तब तक भुनेंगे जब तक अपना तेल ना छोड़ दें। मैंने उसी मसाले के जार पे थोड़ा सा पानी ऐड करके डाल दिया है। गैस कर दूँगी कम, इसको मैं लगा दूँगी ढक्कन। इसको कवर करने के बाद 2 से 3 मिनट के बाद फिर इसको हम कुक करेंगे। थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर डाल दूँ, बिल्कुल हल्का सा ज़रा सा। फिर नमक डालूंगी अपने स्वाद अनुसार। ये भी काफ़ी अच्छे से भुन गया है ये हल्दी पाउडर। अब इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। मसाले ने काफ़ी अच्छा तेल छोड़ दिया है। अब मैं इसको कर दूंगी कवर 3-4 मिनट के बाद तक। ये देखिए काफ़ी अच्छे से ये कुक हो गया है। अब इसको थोड़ा सा हम प्रेस कर देंगे ताकि जो टमाटर है वो अच्छे से मैश हो जाए। थोड़ा करी वाला बना रही हूँ, वैसे भी फिश करी वाली ही बनती है। इसमें पानी उतना ही डालूंगी मैं जितना मुझे ज़रूरी है, आप उसी हिसाब से पानी डाल दीजिए। अब इस पानी डालने के बाद हम इस ग्रेवी को अच्छे से पकने देंगे 4 से 5 मिनट के लिए। तो ये देखिए काफ़ी अच्छे से कुक हो गया है, ग्रेवी बिल्कुल तैयार है। अब मैं डालूंगी इस पर फिश। इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे।
फिर कवर कर देंगे। 5 मिनट के लिए मैं इसको कवर कर दूंगी। फिश है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेता है। ये देखिए काफ़ी अच्छे से कुक हो गया है। अब मैं इसको 2-3 मिनट के लिए और कुक करूँगी। ये अब काफ़ी अच्छे से कुक हो गया है। अब मैं इसमें डालूंगी 1 लेमन का जूस। लेमन जूस इसलिए डालते हैं क्योंकि जो फिश है वो टूटता नहीं है। जैसे कई बार जब हम ज़्यादा पका लेते हैं या फिर ओवर कुक हो जाता है तो ये टूट जाता है फिश, तो वो ना टूटे इसी की वजह से नींबू का रस डाला जाता है। तो नींबू का रस डालना भी चाहिए, वैसे स्वाद भी आता है इससे, काफ़ी अच्छा टेस्ट भी आता है फिश में। तो ये मेरा फिनिश हो गया है, ये अच्छे से कुक हो गया है। अब मैं डालूंगी इसमें धनिया। तो ये देखिए बिल्कुल रेडी हो गया मेरा फिश। मैंने कर दिया गैस को ऑफ। तो गैस आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलेगा, और नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। ओके बाय।